ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 21/9/1964 सोमवार। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। बच्चों ने गीत सुना, कौन से बच्चों ने गीत सुना? क्या गीत? भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। ये गीत किसने सुना? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने गीत सुना। क्यों? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने नहीं सुना है? उन्होंने सुना अनसुना कर दिया क्या? क्योंकि निराला एक शिव ही है और निराला साकार में ही हो सकता है। निराकार में तो निराला की बात ही नहीं, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं सब एक जैसी हैं। तो ब्रह्मा कुमार क्या मानते हैं, शिव क्या है? हैं? बिंदु है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार क्या मानते हैं? हैं? वो बिंदु है, लेकिन निराकारी स्टेज वाला साकार है, उससे निराला दुनिया में कोई और नहीं है। क्योंकि बाप तो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियों आगे ही ये ज्ञान सुनाता हूं। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि कोई भी शूद्र कुमार व कुमारी, रावण कुमार व कुमारी यहां तो नहीं बैठ सकते हैं। ला नहीं कहता है, क्योंकि नाम ही पड़ा हुआ है ब्रह्मा कुमारो कुमारी। ब्रह्मा कुमार और कुमारी माना ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ऐसे तो नहीं है, ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ की संतान ही है, बाप नहीं है, माँ है तो प्रजापिता भी है। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां जानते हैं कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है। क्या कहा? ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या जानते हैं कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो कौन है? शिव है। शिव किसका नाम है, साकार का नाम है या बिंदु का नाम है? शिव तो बिंदु का नाम है। और फिर हम आत्माओं का बाप तो शिव बाबा है।
शिव बाबा में और शिव में क्या फर्क है? शिव बाबा किसे कहा जाता है और शिव किसे कहा जाता है? शिव बिंदु का नाम है, वो एक ही बिंदु है जिसकी आत्मा का नाम है। बाकी जितने भी बिंदु रूप आत्माएं हैं उनके शरीर का नाम पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है बिंदु, ब्रह्मा बाबा का बाबा साकार निराकार का मेल नहीं है, है या नहीं है? कौन है? है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा, वो जानते थे पहचानते थे तो फिर कहाँ हुआ? जब जानते ही नहीं पहचानते ही नहीं तो प्रजापिता शिव बाबा कैसे होगा? इसलिए बताया ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव बिंदु है और फिर हम आत्माओं का बाप तो शिव बाबा ही है। हम आत्मा माने कौन है? हम आत्माएं मना जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो जानते हैं कि हमारा बाबा शिव बाबा है, शिव निराकार और बाबा साकार, साकार और निराकार का मेल शिव बाबा है। बाप बैठकर समझाते हैं, जिसके लिए ये गीत सुना कि भारत की बिगड़ी को बनाने वाला है। अभी भारत की बिगड़ी और बनाना भी है। भारत की बिगड़ी क्यों है? भारत तो पहले हीरे जैसा था, भारत बहुत ही प्राचीन सुखधाम था, क्योंकि नई दुनिया में नए भारत में नए देवी देवताओं का राज्य था और बरोबर भारत हीरे जैसा था। तो भारत की अभी बिगड़ी हुई है। भारत की बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी को सुधारने वाला और बिगड़ी को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला कौन है? कौन है? रावण। ये सिवाय तुम बच्चों की दुनिया में और कोई नहीं जानते। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अब भारत बहुत नीचे है। जब ऊंच था तो भारत की राजधानी थी, ऐसे कोई भी दूसरे धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वो धर्म बहुत ऊंचे थे। इस्लामी बौद्ध के लिए कहेंगे नहीं। क्या ऊंचे था भारत? कोई भी बादशाही तो थी नहीं, पहले
पहले पहले ही सतयुग में भारत की बादशाही थी, षष्ठ के आदि में ही भारत की बादशाही थी, क्योंकि कोई भी धर्म स्थापन करने वाले की आदि में कोई बादशाही नहीं होती है, हैं? इस्लाम धर्म की, बौद्ध धर्म की, क्रिश्चियन धर्म की, इनके धर्म पिताएं आते हैं तो आदि में बादशाही होती है, उनकी राजधानी होती है नहीं होती, वो तो सिर्फ आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं। कभी भी कोई स्थापना करने से कोई की बादशाही नहीं होती है, ये तो बादशाही स्थापन करते हैं संगम में, कौन संगम में बादशाही कौन स्थापन करते हैं? शिव बाबा। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी धर्म पिता, ब्रह्मा, ब्रह्मा बादशाही स्थापन करते हैं? राजधानी स्थापन होती है नहीं? ब्रह्मा माने ज्ञान चंद्रमा, चंद्रवंश में ब्रह्मा द्वारा राजधानी बादशाही स्थापन होती है नहीं होती? क्योंकि जो बादशाही घुमाई हुई है वो ही बादशाही ये फिर आकर के स्थापन करते हैं, कौन कौन? शिव बाबा आकर के स्थापन करते हैं, हैं? ब्रह्मा के तन में आए, राजधानी तो स्थापन नहीं हुई, और यहां तो कहा है आकर के राजधानी स्थापन करके जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद कोई कितन में आता है ना कि बिना ही राजधानी स्थापन कर देता है, इसलिए कहा जाता है कि फिर से बिगड़ी बनाने वाला बाप आया है। सतयुग के बाद फिर ये तो जरूर है कि त्रेता द्वापर कलयुग तो आना ही है, तो सब की बिगड़ी बननी है, क्योंकि बच्चों को समझाया गया है कि सब धर्मों में आपस में हंगामे बहुत हैं, हम्म? क्या समझाया गया बच्चों को है? अरे गीता में भी कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, कौन कौन से सर्वधर्म, और वो सर्वधर्म कौन से युग में होते हैं? कलयुग के अंत में ही सब धर्म होते हैं, उन्होंने तो गीता बनाई दी है, कृष्ण को द्वापर में दिखाई दिया है भगवान को, क्या द्वापर में सब धर्म होते हैं? तो वहां की तो बात ही नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो बच्चों को समझाया गया कि सब धर्मों में आपस में कलयुग के अंत में बहुत हंगामे हैं। देखो चीनियों को आपस में जो भी बुद्ध वाले हैं, बर्मा, चीन, जापान, भूटान, सब तरफ जहां भी बौद्ध धर्म है, ये सब आपस में लड़ते हैं, क्रिश्चियन से भी आपस में लड़ते हैं, लड़ते हैं या नहीं?
रूस में भी क्रिश्चियंस, अमेरिका में भी क्रिश्चियंस लड़ते हैं, है? लड़ते हैं। इस्लामी वाले काले लोग आपस में लड़ते हैं। मोहम्मद आया, इस्लामियों में फूट पड़ गई, मुस्लिम धर्म स्थापन कर दिया, तो सब आपस में लड़ते ही लड़ते हैं। और अनेक धर्म भी हैं, तो अभी सभी अनेक धर्मों की भी बिगड़ी हुई है। इस समय में कई तमो प्रधान अवस्था में है, जर्जरी भूत अवस्था में है, यानी कोई भी हालात में सबको उथल खाना ही है, बदल नहीं है। इस समय में सबको तमो प्रधान बनना ही है, जबकि रावण तमोप्रधान बनाई देते हैं, तो फिर रावण की बिगड़ी को राम आकर के बनाते हैं। कौन आकर बनाते हैं? राम नाम क्यों दे दिया? शिव आकर के बनाते हैं या राम आकर के बनाते हैं? बनाते तो शिव ही हैं, लेकिन इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि दादा लेखराज के द्वारा नहीं बनाते। अगर बनाया होता तो उनकी मंदिरों में पूजा होती, मंदिर बनते, मूर्तियां बनती, तो उनके द्वारा नहीं, किसके द्वारा बनाते हैं? राम बाप के द्वारा बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि राम किसको कहा जाता है? मना शिव के गली की माला। रुद्र और शिव में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। क्यों? शिव तो बिंदी का नाम है और रुद्र है रौद्र रूप धारण करने वाले का नाम है। बिंदी कैसे रौद्र रूप धारण करेगी? तो रुद्र और शिव में कोई फर्क नहीं है। मना शिव बिंदी रौद्र रूप धारण करने वाले में प्रवेश करती है, इसलिए कहा कोई फर्क नहीं है। और इसका नाम ही है रुद्रमाला। और सर्वधर्म वाले जाप जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? सभी धर्म वालों का सदगति दाता रुद्र माना शिव ही है। परंतु वो एक हो गया ना, जरूर कोई साथी भी तो होंगे। तो फिर रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। याद रखना, तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। तुम किसको कहा जाता है? सन्मुख वालों को। ये मुरली कहां सुनाई जा रही थी? है माउंट आबू में। किसके मुख से?
ब्रह्मा के मुख से। तो ब्रह्मा के मुख से जहां वाणी सुनाई जा रही थी वहां तुम किसके लिए कहा? ब्रह्मा के सामने जिनको तुम कहा वो बैठे हुए थे क्या? फिर इमर्ज करके बोला। तो याद रखना, तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, माना पास्ट में, भविष्य में, वर्तमान में, भविष्य में बहुत सर्विस करनी है। तुम्हारी बहुत पूजा होती है। 21964 की वाणी का दूसरा पेज, रुद्र यज्ञ भी रचते हैं परंतु उनसे भी जास्ती तुम्हारी पूजा होती है। और वो रुद्र यज्ञ तो रचते हैं भारत में, परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाने में सर्वशक्तिमान से मदद लेकर सारी सृष्टि को पावन बनाते हो, तो फिर सारी सृष्टि को पूजना चाहिए तुम बच्चों को। है सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं तो सारी सृष्टि को पूजना चाहिए किसको? बाबा ने उस दिन समझाया कि बाप है बड़ा और रुद्र का बड़ा भी बनाते हैं मिट्टी का, बड़ा रूप बनाते हैं और छोटे छोटे भी बनाते हैं 40 ग्राम, उसे से भी या रुद्र ही कहेंगे क्योंकि नाम है रुद्र यज्ञ। उसको रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे, किसको? है किसको नहीं कहेंगे? जो भक्ति मार्ग में रचते थे रुद्र यज्ञ है उसको रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे, और अभी संगम में को रुद्र ज्ञान यज्ञ कहेंगे। इनकी पूजा होती है रुद्र गणों की क्योंकि सर्विस करते हैं। बाप ने समझाया था कि भारत में तो रुद्र यज्ञ रचते हैं और मिट्टी के बनाकर बहुत पूजा करते हैं, लाखों का पूजा करते हैं। अच्छा, माला जो बनती है वो फिर किनकी बनती है? जो अनन्य होते हैं उनकी माला बनती है। तो उसमें तो जितना भी चाहे इतना बनावे, परंतु रुद्र माला फिर गाई हुई है 108, 16108। इन्होंने मदद की थी और मदद तो बहुत होने की, परंतु जो बहुत मदद करेंगे वो ही तो नजदीक वाले होंगे ना। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम पुरुषार्थ ही ये करते हैं कि रुद्र की माला में नजदीक पहुंचे। किसके नजदीक पहुंचे है? रुद्र के नजदीक पहुंचे, ऐसा तुम पुरुषार्थ करते हो। कैसे नजदीक पहुंचे? याद से, जिसको फिर योग कह देते हैं।
इसको बहुत सहज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए बाप को याद करना बड़ा ही सहज होता है। देखो जन्म से ही बाबा मम्मा तो सीख जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो लोग सीखते ही जाते हैं। तो देखो बाबा मम्मा के तो आकर के बच्चे बने अच्छी तरह से। अभी कहते भी हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो तो भक्ति मार्ग में गाते रहते थे, उस समय सिर्फ गाते थे, समझ नहीं सकते थे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, कौन माता पिता। परंतु ये जरूर है कि तुम माता पिता जरूर निराकार को ही गाते थे। क्या क्या बिंदी को गाते थे माता पिता हैं? जरूर जरूर, साकार साकार में निराकार बाप भी और साकारी ब्रह्मा भी। निराकारी स्टेज की बात, माता तो साकारी होती है। तो तुम जानते हो कि हम उन माता पिता के सम्मुख बैठे हुए हैं। एक माता पिता के तुम सम्मुख बैठे हुए हो, एक माता पिता क्यों है? माता पिता दो होते हैं या एक होता है? फिर एक एक क्यों कह दिया है? हाँ, क्योंकि एक में ही, एक व्यक्तित्व में, एक पर्सनालिटी में माता ब्रह्मा भी प्रवेश है और शिव बाप भी प्रवेश है। तो एक माता पिता के तुम सन्मुख बैठे हुए, यादगार क्या है भक्ति मार्ग में इसकी? अर्धनारीश्वर। और तुम जानते हो कि बरोबर वो माता पिता बैठ करके हमको राजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यूं तो राजाई की शिक्षा राजा को देना चाहिए, वकालत की शिक्षा वकील ही देगा ना, है नहीं? वकील देगा। इंजीनियरिंग की शिक्षा इंजीनियरिंग देगा, इंजीनियर ही देगा। तो राजा की शिक्षा राजा को देना चाहिए, राजा बनाने की शिक्षा बैरिस्टर को शिक्षा देना है, बैरिस्टर बनाने की। इंजीनियर को शिक्षा देनी है इंजीनियर बनाने की, क्योंकि वो इंजीनियर खुद है। परंतु यहां तो वंडरफुल बात है। क्या क्या वंडरफुल बात है? हैं? परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जिसको इस सर्वशक्तिवान भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान तो कोई और को नहीं कहेंगे, उसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी के लिए अंग्रेजी समझाया है कि वो ज्ञान का सागर है। सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों उपनिषदों वगैरह वगैरह जो भी है, उन सब को वो जानते हैं, है निराकार। परंतु निराकार को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर। अंग्रेजी में कहा जाता है नॉलेजफुल, फिर उसके पिछाड़ी में कहते हैं ब्लिसफुल, रहम दिल, यानी सब के ऊपर सर्वदया करने वाला। रहम भी करते हैं, दया भी करते हैं, सर्व पर दया करना। और सर्व के ऊपर कहाँ तक? सारी सृष्टि पर, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी है। पांच तत्वों के ऊपर भी दया, क्योंकि पांच
पांच तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाने वाले हैं, जो अभी तमो प्रधान है। इसलिए इनको कहा जाता है बेहद सर्वोदया का मालिक। नहीं तो जो सर्वोदया सर्वोदया कहते हैं वो बेचारे इन बात को क्या जाने कि तत्व भी सतो प्रधान बनने वाले हैं। बनाने वाला कौन? शिव बाबा। शिव या बाबा है? शिव बाबा। अच्छा, पहले तत्व सत्व प्रधान बनेंगे या पहले आत्माएं सत्व प्रधान बनेंगी? आत्माएं सत्व प्रधान बनेंगी तब तो वो तो चली जाएंगी परमधाम में, कि तम प्रधान सृष्टि में बैठी रहेंगी है, परमधाम चली जाएंगी। तो फिर पांच तत्वों को सत्व प्रधान कौन बनाएगा है? कौन? पांच तत्वों को सत्व प्रधान बनाने वाला भी पांच तत्वों से सत्व प्रधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी ऊपर बताया इंजीनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाएगा, बैरिस्टर बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ाएगा। तो पांच तत्वों को सत्व प्रधान बनाने वाला स्वयं भी कैसा होना चाहिए? पांच तत्वों के शरीर से सत्व प्रधान होना चाहिए, खुद सत्व प्रधान ना हो और पांच तत्वों को सत्व प्रधान बना भी, ये कैसे हो सकता है? तो ड्रामा में ये नूंद है क्या कि बरोबर जब बाप आते हैं तो ये जो तमोगुणी बन गए हैं सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र, और पांच तत्व भी वो सतो प्रधान बन जाते हैं। 21964 की वाणी का तीसरा पेज देखो, कितने जीव जंतु जड़ जंगम होते हैं, चैतन्य भी हैं, जड़ भी हैं, सब होते हैं। नुकसान तो होता है ना, तो बोलता है कि सब के ऊपर दया करते हैं है? जो अभी बिगड़ती है वो सुधरती है। देखो भारत की कितनी बिगाड़ती है, बहुत तूफान बहुत बरसात होकर के कितनों को डुबाई देते हैं। ये पांच तत्व तो तंग करते हैं ना, तो बच्चे समझते हैं कि वहां पानी के तत्व भी तमोगुणी नहीं होते, सतो प्रधान होते हैं। कभी भी वहां मूड वगैरह नहीं होती है, तो ये बिगड़ी को बनाने वाला कौन है? है कौन? शिव बाबा। ये तो बच्चे अभी जानते हैं कि वर्ल्ड ऑलमाइटी कहा जाता है। अच्छा, जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप है तो देखो वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य स्थापन करते हैं, खुद तो राजा महाराजा नहीं है, खुद तो निराकार है। उसको नहीं कहेंगे कि कोई महाराजा है या विश्व का रचने वाला है और उसके ऊपर राज्य करने वाला है, नहीं।
तुम्हारे से ये राजा ही रचवाते हैं। क्या कहा? तुम्हारे से ये राजाई की स्थापना कराते हैं। तो करनहार और करावनहार भी है तुम्हारे से, फिर ये स्वराज्य की देवी देवता राज्य की स्थापना कराते हैं और हमेशा कराते ही रहते हैं, करते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। क्या? स्वराज्य की स्थापना। स्व माने आत्मा, के परमपिता परमात्मा के राज्य की स्थापना है, है? तुम ही प्रैक्टिस करते हो आत्मिक स्थिति में रहने की। आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात सुराज्य को पाना। तो तुम जानते हो कि अभी आलमाइटी जो है वो आलमाइटी राज्य स्थापन कराते, तुम बरोबर कहलाएंगे कि हम हैं वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के मालिक। तुम्हारे ऊपर और कोई की भी अथॉरिटी नहीं चलती है। क्या कहा? तुम्हारे ऊपर माने किसके ऊपर? माने तुम सूर्यवंशियों के ऊपर है, ना चंद्रवंशियों की अथॉरिटी चलती है, ना इस्लामियों की, ना बौद्धियों की, ना क्रिश्चियंस की। दुनिया में कोई धर्म वालों की अथॉरिटी नहीं चलती है। कोई भी आकर के तुम्हारे ऊपर हुक्म नहीं कर सकते हैं, है? और अभी कलयुग में क्या हुआ है? मुसलमानों ने, क्रिश्चियंस ने, सब ने आकर हमारे ऊपर हुकूमत की। फिर सतयुग में क्या होगा? कोई भी हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करेगा। भारत में कोई ने आकर के हुक्म किया ना, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, सतयुग में तो ये लोग होते ही नहीं है। तो पीछे क्या है? अभी इनको ही सिद्ध करना है कि सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, अंग्रेजी में सुप्रीम कहा जाता है। किसको? शिरोमणि को। भगवत गीता से भगवान ने बैठ करके बच्चों को राजयोग सिखाया। तुमको ये सिद्ध करना पड़े कि ये विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश करने वाला कौन है। जब भी तुम विश्वविद्यालय लिखते हो, इंग्लिश में या हिंदी में भी लिखते हो, तो तुम नीचे से ब्रैकेट में उनका अर्थ लिख दो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो तुमको कभी कोई कुछ कह नहीं सकेगा। तुम भले हिंदी में लिख दो विश्वविद्यालय, ये है ही बरोबर हिंदी का अक्षर। विश्वविद्यालय हिंदी में कोई न समझे तो ब्रैकेट में उसका अर्थ लिख दो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कभी तुमको कोई कुछ कह नहीं सकेंगे, क्योंकि आगे कुछ लिखा हुआ था परंतु वो कायदे से न लिखे हुए होने के कारण तुमको लिखने नहीं दिया, क्योंकि तुम तो पत्थर मारना है ना। भले कोई आकर के कहे कि क्यों लिखा है, तो तुम समझाएंगे उसमें क्या लिखना चाहिए। हिंदी तो आजकल कॉमन है, हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है,
परंतु वो जो ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखते हो, विश्वविद्यालय के एकदम आगे ब्रैकेट में उनका अर्थ लिख दो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। युक्तियां चाहिए। बाप तुमको अथॉरिटी देते हैं, युक्ति बताते हैं, फिर तुमको कोई कुछ नहीं कर सकेंगे, कह नहीं सकेंगे। लिखना तो जरूर पड़े ना, फिर लिखना तो तुम बच्चों को ही होता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कौन स्थापन कर सकेंगे, हैं? नीचे लिखा हुआ है एस्टेब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेवनली गॉडफादर। वर्ल्ड हेवनली गॉडफादर का अर्थ ही है हेवन स्थापन करने वाला बाप, बेहद का बाप। और हेवन स्वर्ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? है वन नहीं, बिन। बिन माने जीत लेना, जीत लिया, सारी दुनिया के सात धर्मों को जीत लिया, वो क्या है? हेवन। स्वर्ग को कहा जाता है। ये बच्चों को समझाते हैं कि बिगड़ी तो बनती है। तुम जानते हो कि हम मनुष्य देवता बनते हैं। 21964 की वाणी का चौथा पेज। तो बरोबर मनुष्य की बिगड़ी है तब तो उनको देवता बनाते हैं। मनुष्य की बिगड़ी है मानव असुर बन गए हैं। मनुष्य से बिगड़ करके क्या बन जाते हैं? असुर। मनुष्य को कहा जाता है इंसान, और इंसान बिगड़ता है तो क्या बन जाता है? हैवान, शैतान। तो मनुष्य की बिगड़ी है माना असुर बन गए, इसलिए देवता बनाते हैं। असुर और देवता की लड़ाई की तो बात ही नहीं है, जो शास्त्रों में दिखाई दी है कि देव असुर संग्राम हुआ। तुम असुर से देवता बनते हो, इसमें लड़ाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, नहीं? फिर शास्त्रों में ये लड़ाई देवताओं की और असुरों की क्यों दिखाई दी? हैं? नहीं, ये हमारे अंदर की लड़ाई है। हमारे अंदर आसुरी संस्कार भी हैं और दैवी संस्कार भी हैं। दैवी संस्कार दब गए हैं, मर्ज हो गए हैं, और भगवान आकर के उन दैवी संस्कारों को इमर्ज करते हैं। तो देखो, ऐसे नहीं है जैसा शास्त्रों में दिखाई दिया है कि देवताओं की असुरों की लड़ाई हुई, त्रेता में राम रावण की लड़ाई हुई, सतयुग में देव और असुरों का संग्राम हुआ। ऐसा हुआ क्या? नहीं। ये जो आसुरी संप्रदाय है, जो बेगुणी बन गए हैं, वो दैवी गुण धारण करके देवता बनते हैं। बाकी तुम बच्चों की लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर ये जो अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले हैं, वो फिर ये विचार सागर मंथन करते हैं। ये तो तुम जानते हो कि बरोबर सारा मदार पवित्रता के ऊपर है। क्या सारा मदार माने? हमारे अंदर जो भी इंसानियत है, देवताई गुण है या आसुरी अवगुण है, उनको पलटने के लिए विशेष कौन सी ताकत चाहिए? पवित्रता की ताकत चाहिए। दुनिया के सारे काम पवित्रता से ही होते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि माताओं के ऊपर, अबलाओं के ऊपर अत्याचार होंगे। काहे के अत्याचार होंगे? ये भी तो समझ की बात है ना। क्यों अत्याचार होंगे?
तुम देखते हो ये अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, क्योंकि उनको विघ नहीं मिलता है, किनको हैं? उनको विघ नहीं मिलता है, किनको? अरे अरे किनको भी सुन नहीं मिलता है? असुरों को, असुरों को विघ नहीं मिलता है तो कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं, उनकी विषय वासना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध में आते हैं और आसुरी गुण धारण करने लग पड़ते हैं, मारपीट गाली गलौज। तो देखो ये कंसी जरासिंधी शिशुपाल ये सभी जो असुर हैं उनको विख नहीं मिलता है। क्या कहा? कंसी किस लिए गाया हुआ है? कन्याओं को कोसता है, कन्याओं को जबरियन क्या करता है, हैं? बिख पीने के लिए जबरदस्ती करता है, उसको कहते हैं कंसी। कंसी अर्थात क्या किया कंस ने? शास्त्रों में क्या दिखाते हैं, हैं? कन्या को मार दिया। तो दिखाते हैं क्यों अत्याचार होते हैं। फिर गाया हुआ है कि बरोबार आकर के अमृत लेते थे, लेते लेते फिर वो विख के शौकीन होने से फिर जा करके अबलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे, हैं? कौन आकर के अमृत लेते थे, हैं? अरे अरे ज्ञान में ऐसे बहुत होते हैं जो पहले ज्ञान में आते हैं, ज्ञान अमृत पीते हैं, फिर पीते पीते है फिर पीते पीते छोड़ देते हैं, जा करके अबलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, क्योंकि विख के शौकीन हैं, विख नहीं मिलता है तो अत्याचार करते हैं। अभी देखो ये फिर ऐसे होता है, क्या यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ और अभी अभी फिर ऐसे बड़े रूप में होने वाला है। बहुत बच्चियां लिखती हैं, बाबा कैसे हम अपन को पवित्र रखें? बाबा ने तो कितनी बार समझाया कि बच्चे अपने पति से युक्ति से चलो, त्रिया चरित्र भी गाया हुआ है, बहुत होशियारी होती है, तुम बच्चों ने खेल नहीं देखा है। एक विकर्म चरित्र कुछ गाया हुआ है, उसमें एक खेल है जिसमें राजा और स्त्री वो अपने को बचाने के लिए चरित्र करते हैं, यानी वो तो फेटार का है, वो स्त्री को पसंद नहीं किया, निकाल दिया, फिर स्त्री उनसे बैठ करके और प्यार से बच्चे पैदा करती है, उनको पता ही नहीं पड़ता है। तो ये एक नाटक बनाया हुआ है। तो दिखलाते हैं कि त्रिया में चरित्र कितने होते हैं। तो तुमको बाप चतुराई भी सिखाते हैं कि जब भी कोई मांगे तो तुम बहुत बहाने कर सकती हो, फिर बहुत ध्यान में भक्ति में बैठ जाओ। उफ, मुझे बाबा साक्षात्कार कराते हैं, कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पहनो फिर तुम महारानी बनेंगी। मुझे वैकुंठ का साक्षात्कार होता है, मुझे विनाश का साक्षात्कार होता है, मैं देखती हूँ कि ये पतित दुनिया विनाश हो रही है, ऐसे ऐसे मैं सपना देखती हूँ, मैं वैकुंठ भी देखती हूँ, ध्यान में जाती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि खबरदार, जब बिख पिएंगी तो तुम जहन्नुम में चली जाएंगी। मैं स्थापना कर रहा हूँ,
मुझे वैकुंठ भी दिखता है। पवित्र बनेंगी तो वैकुंठ का मालिक बनेंगी। तो बोलो, मैंने तो प्रतिज्ञा की है, जैसे मीरा ने प्रतिज्ञा की वैसे मुझे भी तो साक्षात्कार होता है। ऐसे तो नहीं है कि ढिंढोरा पिटवाने की बात है, ये तो पति और स्त्री का आपस में लड़ाई है। तो बैठ करके उनको अच्छी तरह से समझावे, नहीं तो बहुत सी स्त्रियां क्या करती हैं, हैं? बिख के लिए घर में झगड़ा होता है तो मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, चारों तरफ ढिंढोरा पीटने लगती है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना है कि ढिंढोरा पिटवाने की बात है, ये तो पति स्त्री का आपस में है। वो बैठ करके उनको अच्छी तरह से समझावे, मैं कभी नहीं कहूंगी, मैं जहन्नम में थोड़े ही जाऊंगी। तुमको अगर बिख चाहिए तो भले तुम दूसरी शादी कर लो, मैं तो यहां बैठी हूं, मुझे बाप से अपना वर्षा लेने दो। तुम गीता पढ़ते हो, गीता में भी लिखा है कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो तो तुम महारानी बनेंगे। मुझे स्वप्न में बहुत बोल बोल देते हैं, परंतु वो कौन सी चाहिए, वो नष्ट मोह वाली चाहिए क्या है? ऐसे कौन कहेगी, तुमको अगर विख चाहिए तो दूसरी शादी कर लो, जो नष्ट मोह होगी वो नष्ट मोह वाली ही चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हम पवित्र बनेंगी और सब बच्चों में मोह आता रहे, और अगर वो निकाल देवे तो भी उनको याद करती रहे, बाल बच्चों को याद करती रहे। 21964 की वाणी का 5वां पेज। उनका काम नहीं चलेगा, किसका, ऐसे मोह रखने वालियों का, उनकी बिगड़ी कोई बन नहीं सकेगी। किनकी है? जो पति में बाल बच्चों में मोह रखेंगे। यहां तो बिल्कुल एकदम साफ दिल चाहिए, क्योंकि मीरा तो कुमारी थी, इनके पास तो बछड़े बहुत हैं, बच्चे और बच्चियां जिनमें मोह हो जाता है, मोह की रग बढ़ती है ना। नहीं तो देखो कन्याएं हैं, सिर्फ बाप में, भाई में मोह होगा, भाई बहनों में मोह होगा, और किसी में मोह हो सकता है? बाप में, माँ में, बहन में, भाई में, और के साथ उनका क्या ताल्लुक? एक तरफ में लगता है सिर्फ माँ बाप, भाई बहन, और जब शादी करती है तो वो प्लस हो जाता है, यानी जास्ती बढ़ जाता है, इसमें पति में तो बढ़ गया ना, डबल हो गया ना। फिर पति के तो और ही बात मत पूछो, फिर पति में, सासू में, ससुरे में बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह हो जाता है, तो फिर वृद्धि डबल हो जाती है। कन्याओं में सिंगल तो फिर माताओं में डबल क्या मोह, उनमें भी नंबर वन तो हो जाता है पति का मोह, समझा ना। तो नष्ट मोह भी होना चाहिए ना, ऐसे नहीं है कि फिर वो निकाल देवे या छोड़ देवे और फिर बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम फलाना काम नहीं करेंगे। नहीं, पीछे तो स्वतंत्र हो ये समझ लेंगे। जैसे राजाएं घर छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, तो देह अभिमान छोड़ने के लिए वो कितने ढेर सारे काम कराते हैं, झाड़ू लगवाते हैं,
खाना पकवाते हैं, सफाई करो, काठ ही कराते हैं, लकड़ी लाओ, चौका जलाते हैं, खुद तो नहीं पकाते हैं, परंतु आश्रम में सफाई रखना आदि ये कराते हैं, जिससे उनका देह अभिमान छूट जाए। तो यहां भी तो यही कायदा है, कभी भी कोई बड़े घर की आएगी तो उनका देह अभिमान तोड़ने के लिए सब कुछ कराते हैं। छोटे घर वालियों का देह अभिमान क्या है, वो पोथा तो पहनती ही रहती है, बुहारी तो पहनती ही रहती है, बर्तन तो मांजती ही रहती है। तो देह अभिमानी बड़े घरवाली वहाँ उतनी घरवालियाँ होती हैं, कहती हैं हम फलाने की हैं, हमने कभी बर्तन नहीं मांजा है, हमने कभी झाड़ू नहीं लगाया है। इसलिए उस संन्यास में भी ये है, यहाँ भी ऐसे ही है। कहाँ है? ब्राह्मण परिवार में। यहाँ भी बाबा ने परीक्षा ली थी, भले धन तो बहुत था, मोटरें थी, परंतु देह अभिमान तोड़ने के लिए तुम सब काम करती थी। क्योंकि जैसे बाबा मम्मा कर्म करेंगे, ऐसे देख करके और भी बच्चे करेंगे। तो देह अभिमान तोड़ने के लिए तुम सब करते थे ना, मोटर साफ करना, धोबी का कपड़ा धोना, तो वो रसम चली आनी चाहिए। कोई भी आवे बोले कि हम यहाँ रहेंगे, तो बोलो कि पहले तुमको ये सब काम करना पड़ेगा, तो तुम्हारा देह अभिमान टूट जाए। पहले कोई भी आवे, भले होशियार भी होवे, परंतु देखना है सीखने के समय भी बाली आदि सब पहनती है, उसमें कोई बड़े घरवाली होगी तो बाली कान की निकाल करके नहीं देगी, फिर आएंगी ही नहीं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। गरीब की आएंगी, बाप तो है ही गरीब निवास, तुम देखते हो बरोबर आती है, तो गरीबों के ऊपर भी बड़ी मुसीबत होती है मार खाने की, साहूकार के ऊपर तो है, गरीबों के ऊपर भी है। तो बच्चियों को युक्ति रचनी चाहिए। मुझे साक्षात्कार होते हैं, मार डालो तो मुझे कुछ भी करो, भले तुम बाढ़ में जाओ, हमें क्या, क्यों अपनी जान गंवावे इसके लिए, जो करेगा सो पाएगा, ये करेगा तो ये पाएगा, मैं करूँगी तो मैं पाऊँगी, इनके लिए मुझे थोड़े ही जहन्नुम में जाना है। तो वो सबसे नष्ट मोहा हो जाती है। ऐसे नहीं कि पति से मोह निकला तो बंदरी की मुआफिक बच्चों में मोह लग पड़ा, बिगड़ी तो बनाने वाला एक ही शिव बाबा है। ये तो बच्चे जानते हैं, और वो शिव बाबा बनाकर ही छोड़ेगा, क्या बिगड़ी को बनाकर ही छोड़ेगा। 2964 की वाणी का छठा पेज। परंतु ये तो बीच में है तो सही ना, अबलाओं के ऊपर अत्याचार, ये खिटपिट वगैरह, उनके बगैर थोड़े ही कोई विश्व का राज्य मिल सकता है। क्या कहा है? गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलता है। ये महाभारत युद्ध कहो, ये खिटपिट कहो, इससे तो सभी को पासार होना है। निश्चय बुद्धि एकदम पक्का चाहिए, अच्छी तरह से। ओम शांति।